हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आज मैं आपके लिए दिवाली का लुक लाई हूँ। मुझे इतना ज़्यादा खास पसंद नहीं आया ये लुक, आपको भी इतना ज़्यादा पसंद नहीं आएगा, फिर भी आप क्रिएट कर सकते हैं। मेरा थोड़ा यहाँ पे मेसी हो गया है, ये मैंने ऑरेंज और थोड़ा सा रेडिश टाइप का है वो मैंने क्रीज पे दिया है, और नीचे पे थोड़ा सा हाफ कट क्रीज करके ग्रीन ग्लिटर दिया है, उसके ऊपर थोड़ा सा बड़ा वाला जो ग्लिटर होता ना, चंकी ग्लिटर, वो थोड़ा सा दिया है, और आईलाइनर साइड में सिर्फ लगाया है, और लोअर लैश लाइन पे काजल दिया है। तो मैं और एक लुक करूँगी दिवाली का, अच्छा वाला लुक करूँगी, और ये भी आप क्रिएट कर सकते हैं। और आइस का जो क्रीज का जो कलर है उसका लिपस्टिक का भी सेम है, ब्राउनिश कलर है, तो ये भी आप क्रिएट कर सकते हैं, इतना ख़राब भी नहीं है, अगर आपको क्रिएट करना है तो कर सकते हैं। मैं और एक क्रिएट करूँगी क्योंकि मुझे इतना अच्छा नहीं लगा ये लुक, फिर भी बनाया है, सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो या तो चलिए देखते हैं मैंने ये लुक कैसे क्रिएट किया है। चलिए गाइस, तो मैं बहुत टायर्ड दिख रही हूँ, पता नहीं क्यों। तो मैं स्टार्ट करूँगी प्राइमर से। तो मैंने पहले प्राइमर लगाया, आई एम्स्टरडम का प्राइमर था, और अभी मैं ये फाउंडेशन लगा रही हूँ। ये मेबेलिन का सुपरस्टे फाउंडेशन है, फुल कवरेज फाउंडेशन है, और इसमें मेरा शेड है वार्म न्यूट। तो ये थोड़ा सा लाइट हो गया मेरे स्किन पे, पता नहीं मेरे स्किन पे भी बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन दिख रहा है। बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, फुल कवरेज है, आप ले सकते हैं। और आज पता नहीं मेरा लाइटिंग भी बहुत ख़राब था, तो बहुत टायर्ड दिख रहे हूँ। तो अभी मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, स्विस ब्यूटी का कंसीलर है, वन ऑफ द मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब बेस्ट कंसीलर है ये, अफोर्डेबल में 100 समथिंग में आपको मिल जाएगा। तो इसको मैं अपने यूजुअल एरिया जहाँ पर मैं कंसीलर यूज़ करती हूँ वहाँ पर यूज़ करके एक ब्रश से ही मैं ब्लेंड कर रही हूँ। और ये ब्रशेस भी अमेजोन से है, ये भी ब्रश के साथ एक ब्रश क्लीनर भी आता है, एक ब्यूटी ब्लेंडर भी आता है, बहुत ही अच्छा ब्रश सेट है। देखिए कितने अच्छे से ब्लेंड हो रहा है, ब्रिसल्स के भी कोई मतलब दाग नहीं छोड़ता है, बहुत ही अच्छा है। तो मैं इससे अच्छे से अपने जो कंसीलर उसको क्लीन कर रही हूँ, मतलब लगा रही हूँ। अभी मैं ये ब्लू हेवन का लूज पाउडर है, इसको जहाँ पे मैंने कंसीलर लगाया है वहाँ पे उसी में एक पफ आता है, बहुत अच्छा पफ है, उससे मैंने लगाया है। अभी मैं थोड़ा सा ब्रॉन्जिंग कर रही हूँ, तो लॉरियल का जो ब्रॉन्जर है उससे मैं थोड़ा सा अपने फेस को ब्रॉन्ज कर रही हूँ, मैं कॉन्टोर नहीं कर रही हूँ। तो या उससे मैं अच्छे से अपने फेस को थोड़ा सा चिजल आउट करूँगी, मतलब ब्रॉन्जिंग करूँगी, बेसिकली कॉन्टोरिंग नहीं करूँगी, थोड़ा सा वार्म आएगा फेस पे। ये देखिए मैं अपने नोज़ को भी थोड़ा सा ब्रॉन्जिंग कर रही हूँ, मतलब उसी से कॉन्ट्रोलिंग की तरह कर रही हूँ। अभी मैं ब्लश लगा रही हूँ, तो एक पिंक कलर का ब्लश है, ये ब्लू हेवन का ब्लश है, तो इसको अपने फेस पे जहाँ पे मैंने ब्लश लगाती हूँ, एक्चुअली मैं अपने एपल ऑफ द चिक्स पे नहीं लगाती हूँ, मैं अपने टेम्पल्स मतलब जहाँ पे मैं ब्रॉन्जिंग करती हूँ वहाँ पे लगाती हूँ। अभी मैंने अपने लूज पाउडर को डस्ट ऑफ कर लिया है, अभी मैं देखिए एक अच्छा सा एक ब्राइटनेस इफेक्ट आ जाता है, और क्रीज भी नहीं होता है जो कंसीलर होता है। अभी मैं आईब्रो फिल कर रही हूँ, मिस क्लेयर का आईब्रो पेंसिल है, इन द शेड डार्क ब्राउन है, और इसी में एक स्पूलिया आता है, उसी से अच्छे से कॉम्ब आउट कर रही हूँ, तो सब प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अभी मैं अपने फेस कर रही हूँ ब्लू हेवन, नहीं सॉरी, ये रियल का सेटिंग स्प्रे, मेबेलिन का सेटिंग स्प्रे है, तो इसको लगा के मैं अच्छे से डैप डैप कर रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर से, क्योंकि जितने भी पाउडर प्रोडक्ट्स लगाया है वो सब मेल्ट हो जाएंगे। अभी मैं इसके बाद मैं फेस पे एक हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, ये मेबेलिन का मास्टर क्रोम हाइलाइटर है, इन द शेड मोल्टन रोज गोल्ड है, बहुत ही सुंदर एक पिंक की हाइलाइटर है, और इसको लेके मैं अपने फेस पे लगा रही हूँ। अभी मैं अपने आईज़ को सेट कर रही हूँ, ये स्विस ब्यूटी का पैलेट है, उसी से एक वाइट शेड लेके अभी मैं ये डार्क ब्रिक ऑरेंजी कलर है, इसको अपने क्रीज के ऊपर अच्छे से प्लेस करूँगी और बफ करूँगी। अभी उससे थोड़ा सा लाइट ऑरेंजी शेड ले रही हूँ, उसकी थोड़ा सा नीचे लेके मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। ये लुक मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा गाइस, ऑनेस्टली बता रही हूँ, बट फिर भी मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। और अभी मैं ये पिंक कलर ले रही हूँ, और एग्जैक्ट क्रीज पे और आउटर कॉर्नर पे अच्छे से प्लेस कर रही हूँ एक डोम शेप ब्रश से। पता नहीं इतना कितना, मतलब अच्छे से ब्लेंड नहीं हुआ था ये लुक, और इसका कलर कॉम्बिनेशन भी मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, फिर भी मैंने सोचा कि दिवाली में दिया है तो मैं मतलब डाल देती हूँ। अभी मैं कट क्रीज कर रही हूँ, हाफ कट क्रीज, उसी स्विस ब्यूटी के कंसीलर से और एक फ्लैट ब्रश, ये भी अमेजोन के ब्रशेस से, इससे एक हाफ कट क्रीज कर रही हूँ। अभी मैं निका केक का पैलेट है, इसमें से ये ग्लिटरी डार्क ग्रीन काइंड ऑफ शेड है, ब्राउन ग्रीन मिक्स से ये ग्लिटरी शेड है, इसको एक ब्रश से लेके उसी कंसीलर के ऊपर प्लेस कर रही हूँ। ये जो पैलेट है निका केक का, एक नियॉन पैलेट है, ग्रीन नियॉन जो पैलेट है वो है, इसका शेड का नाम एक्चुअली मुझे याद नहीं है, मैं डाल दूँगी, लाइम करके कुछ समथिंग है, मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इसको अच्छे से थोड़ा थोड़ा ले रही हूँ और जस्ट प्लेस कर रही हूँ, डैप 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 करके प्लेस कर रही हूँ। अभी मैं ये ब्लू हेवन का स्केच आईलाइनर है, इतना ज़्यादा डार्क नहीं है गाइस, मतलब इतना ज़्यादा ब्लैक नहीं है, तो इससे मैं
छोटा सा सिर्फ फुल आईज पे मैं आईज मतलब आईलाइनर नहीं कर रही हूँ, मैं साइड में सिर्फ एक विंग क्रिएट कर रही हूँ। अभी मैं ये नायका का रॉक द लाइन काजल है, बहुत ही अच्छा स्मच प्रूफ वाटर प्रूफ काजल है, डार्क है, उससे मैं अपने लोअर वाटर लाइन पे लगा रही हूँ। अभी मैं वही जो ब्रिक्स काइंड ऑफ शेक है शेड है उसको एक पेंसिल ब्रश से लेके मैं अपनी पेंसिल नहीं एक एंगल ब्रश है उससे लेके मैं अपने लोअर लैश लाइन पर अच्छे से लगा रही हूँ। अभी मैं मेबेलिन का कॉलरसिल मस्कारा है, वन ऑफ द बेस्ट मस्कारा है मेरा, बहुत फेवरेट है इसका, वंड बहुत थिक है, बहुत ही अच्छे से लैशेज को कोट करता है, सेपरेट करता है, लेंथ वॉल्यूम देता है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा देता है। तो इससे मैं अपने आप पर लोअर लैशेस में अच्छे से 2-3 कोट्स लैश मस्कारा लगा रही हूँ। मैं फॉल्सेस नहीं यूज़ करती हूँ। अभी मैं ये जो ग्रीन काइंड ऑफ एक ग्लिटर मतलब शिमर शेड है इसको लेके मैं अपने इनर कॉर्नर और अपनी जो ब्राउन है उस पर लगा रही हूँ। अब मैं क्या कर रही हूँ गाइज, उसी ग्लिटर के ऊपर मैं एक ब्लैक कलर का ग्लिटर शेड, ब्लैक नहीं सॉरी डार्क एक्चुअली ये ब्लू ग्लिटर शेड है, इसका नाम मुझे याद नहीं, वो मैं थोड़ा सा डैब डैब करके लगा रही हूँ तो ग्लिटरी इफेक्ट आएगा। अभी मैं ये लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, ये नायका का बॉम बॉम शेड है, नायका का लिपस्टिक है, स्मॉल जो छोटा वाला लिपस्टिक है उसको यूज़ कर रही हूँ। तो गाइज दिस इज़ माय फाइनल फिनिश्ड लुक गाइज, और मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा ये लुक, ठीक ठाक लगा है, तो मैं और एक लुक क्रिएट करूँगी। फिर भी अगर आपको अच्छा लगे मेरा वीडियो और आप चाहते हैं मैं ऐसे ही वीडियोज़ क्रिएट करूँ तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, थोड़ा सा ग्रो होने में हेल्प कीजिए, और मेरे चैनल को शेयर भी कीजिएगा थोड़ा सा, आप लोग फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे थोड़ा सा शेयर कीजिएगा, फेसबुक पे भी शेयर कर सकते हैं आप, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब के पास में जो बेल बटन है उसको भी दबा दीजिएगा, बहुत लोग नहीं दबाते इसीलिए उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, तो आप लोग वो दबा दीजिएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी वीडियोज़ अपलोड करूँगी। और मेरा लाइटिंग कैमरा इतना अच्छा नहीं है मुझे पता है, तो वो करने के लिए तो मतलब थोड़ा कुछ ट्राई कर रही हूँ मैं करने का, लेकिन उसके लिए तो ज़्यादा पैसा भी लगता है ना, तो इतना ज़्यादा मैं इन्वेस्ट अभी नहीं कर सकती क्योंकि मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, मैं एक साल से कर रही हूँ, और फिर भी मैं ट्राई करूँगी मेरा लाइटिंग सेटअप थोड़ा सा चेंज करने के लिए। तो यहाँ तो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं दार्शनी बख्शी में, तो वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर हो सके तो मैं लिंक्स डाल दूँगी, नहीं तो मैं अपना जो हैंडल है वो डाल दूँगी, और सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।